कभी कभी ऑफ कोर्स सीरियस में मजा आता है, तो एक एक इमोशन में आपको यू नो एक इमोशन होता है, एक चीज होती है तो उसमें रहना पड़ता है, अच्छा लगता है। जैसे रमन राघव किया था मैंने जी, मैं चला गया तो उसकी तैयारी के लिए कहीं लोनावला की तरफ, एक घने मतलब उसमें जंगलों में कहीं एक वो था छोटा सा रिसोर्ट था, वहाँ रहने लगा और रमन राघव की तैयारी करने लगा। तो क्या हुआ कि उसकी तैयारी करते करते ना एक आदमी, तो मैंने उसकी एक तैयारी की, तो उसका एक डायलॉग था स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट लेके गया था मैं, स्क्रिप्ट में वो बोलता है कि मैं किसी को भी मार सकता है, मैं जब भी लोगों को मारता है मेरे को पेन नहीं होता, मैं ऐसे मारते जैसे खाता है पीता है हकता है मुत्ता है, यस यस हैं, और मेरे को पेन नहीं होता, मैं आप लोगों की तरह नहीं, आप लोग क्रंच लेके मारते हो, सारा लेके मारते हो, धर्म का इसका उसका, मैं मजे के लिए मारता है, आप लोगों की तरह नहीं, मैं सारा नहीं ढूंढता। तो इस डायलॉग पे बिलीव करना बहुत मुश्किल काम था, कि एक आदमी जो मार देता है उसको कुछ भी नहीं होता, नॉर्मली मारता है वो, उसको पेन भी नहीं होता, लाइक अ हॉबी फॉर हिम। हाँ, तो ऐसे आदमी पे मैं ऐसे आदमी पे बिलीव करना और ऐसा आदमी बनना कितना डिफिकल्ट है। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था कि कितना नॉर्मल हो सकता है इसके लिए ये सब चीज़ें। तो एक वक्त आया 2-3 दिन के बाद, क्योंकि मैं एक ही जगह पर बैठा वहीं खाता पीता रहता था मैं भी, एक वक्त आया 3 दिन के बाद शाम का टाइम था और मुझे खुद से डर लगने लगा। और जब मुझे डर लगा अपने आप से तो मैंने कहा भैया थैंक गॉड अब मैं थोड़ा सा आसपास जा रहा हूँ उस कैरेक्टर, एंड देन सीधा मैं आके शूट किया मैंने और मैं उसी जोन में आया रमन राघव के। और मैं ये मेरे मैंने बिलीव कर लिया कि मेरे सामने कोई पड़ गया तो मैं मतलब साइड में कर दूंगा उसको, ये सोच के मैं आया और मैंने किया पहला सीन जिसमें वो साइड में विक्की कौशल खड़ा हुआ है, इधर पुलिस वाला सामने बैठा है, मैं चेयर पे बैठा हूँ, इंट्रोगेशन वाला सीन, इंट्रोगेशन वाला कि मैं अपने काले काले पे चलता है मैं, है ना, मैं जब भी मेरे को उसको सोचना होता है मैं जोर लगा के सोचता हूँ और वैसे ही सोचता हूँ, सब काला हो जाता है, सब काला सफेद हो जाता है, और मैं अपने काले पे चलता हूँ, वो वाला सीन, वही सीन होना था उस दिन। मैं उस जोन में ही आया था, आया तो करना शुरू किया, आई थिंक पूरे दिन वही सीन करवाया था अनुराग ने, और मैं उसी जोन में था। बहुत डिफिकल्ट हुआ लेकिन एटलीस्ट देखो क्या होता है ना, 2-3 दिन तक उसी जोन में, उस सीन के जोन में मैं रहता आ रहा था, मैंने वो सीन कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक गॉड एटलीस्ट कुछ तो मिला जी, थोड़ा जी। बहुत तो मिला टाइप में, ऐसा ये होता है, ये आनंद है जर्नी, ये आनंद है, ये आनंद जर्नी में आनंद है। मतलब फिल्म खत्म हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और ये डॉक्टर बता रहा था कि ये बंदा फेंट हो रहा था, डॉक्टर ने किसी को बताया कि ये बंदा फेंट हो गया था, और लेकिन उसके डायलॉग गुनगुना रहा था ये मैं, ऐसे डॉक्टर ने बताया कि मैं बहुत बेहोशी में मैं रमन राघव के डायलॉग गुनगुना रहा था, ये इतना असर किया था।